नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं AICP कस्टम रॉम के बारे में। Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए AICP कस्टम रॉम का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। Android 12.1 के साथ ये जो बिल्ड है अवेलेबल है, पर Android 12 का जो ईस्टर एग है ऐड किया गया है। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है। यहाँ पर 5 जुलाई का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। कर्नल की अगर बात करें 4.14 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। एंड एज बिल्ड है तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर इस रॉम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, प्लस अगर बेंच मार्किंग एंड बैटरी बैकअप को आने बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए AICP कस्टम रॉम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जो बिल्ड है तो अनऑफिशियल बिल्ड है। इस रॉम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल नहीं है, आपको अलग से जी एप्स को इंस्टॉल करना होगा। अलग से यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना होगा। इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है। ये जो रॉम है दोस्तों वैनिला रॉम है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेपरेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेपरेट पास हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है। पर गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट इस रॉम के साथ काम करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर ये जो AICP कस्टम रॉम है इसके सर से इंस्टॉल करना होगा। कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका जो है बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर जो है इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो सकते हैं। इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। या पर AICP कस्टम रॉम हो जाए और कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते किस तरह से बूटलॉडर को अनलॉक करते, किस तरह से कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। सिंपली रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर TWRP रिकवरी प्लस यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो है स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है अगर आप चाहते हो रिमूव कर सकते हो, पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन से अगर आप इसे चाहते हो इसे रिमूव भी कर सकते हो। प्लस पर स्क्रीन लॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से इसे रिमूव करने के बाद यहाँ पर सिंपली कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सिंपली फोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो है कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एडवांस रिबूट के साथ आप डायरेक्टली पावर मेनू से बचे रिकवरी को बूट कर सकते हो। एंड यहाँ पर सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर हम TWRP रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश करने वाले है। अगर आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सिंपली बैकअप में जाके सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो स्वाइप करके बैकअप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। बाद में आप चाहो तो रिस्टोर भी कर सकते हो। सिंपली बैकअप में जाके कार्डन रॉम का बैकअप क्रिएट करो। बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली बैक जाके वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैश। तो यहाँ पर सिंपली डेल्विक डेटा कैशे ये जो तीन ऑप्शन है सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट मत करना, सिंपली यहाँ पर डेल्विक डेटा कैशे ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकेंड टाइम लगता है। यहाँ पर वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर इंस्टॉल में जाके जिस भी फोल्डर के ऊपर अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल नहीं है, आपको अलग से एंड्रॉइड 12 का जो जी एप्स है फ्लैश करना होगा। सिंपली पहले रॉम को फ्लैश करो। रॉम को फ्लैश करने के बाद यहाँ पर जो जी एप्स को फ्लैश करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल में जाके रॉम को सिलेक्ट करके स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जी एप्स को सिलेक्ट करके
स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। पर रॉम फ्लैश होने में लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर वाइप में जाके फॉर्मेट डेटा में जाके ये स्टेप करना होगा। यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करना जरूरी है। फॉर्मेट डेटा करने से इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। तो यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करने के बाद सिंपली अब बैक आके यहाँ पर रिबूट में जाके रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें रैप करना होगा। यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली रॉम को सेटअप करना होगा एंड कुछ इस तरह से आप जो है पर AICP कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। यहाँ पर ना बात कर लेते परफॉर्मेंस के बारे में। हमने अपने इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था। सबसे पहले बात कर लेते 3D Mark के बारे में। यहाँ पर 3D Mark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1122 का इसको देने को मिल गया है। यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ 3D Mark के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है 1122 का स्कोर है। अगर बात करें पर Geekbench 5 के बारे में, यहाँ पर सिंगल रोड के साथ जो है 512, मल्टी रोड के साथ जो है 1516 का स्कोर है। Geekbench 5.4.4 के साथ Android 12 के साथ यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी रोड के साथ जो है, यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी रोड के साथ एवरेज से ज्यादा इसको देने को मिल गया है। ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलता है Geekbench 5 के साथ। अगर बात करें बस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स गया है 157, एवरेज है 148, मिनिमम है 137। यहाँ पर 93% का सीपीयू थ्रॉटलिंग देखने, यहाँ पर 93% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.30 GHz तक। यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग प्लस यहाँ पर Geekbench 5 एंड 3D Mark के साथ जो है काफी बढ़िया इसको देने को मिल गया है। ओवरऑल इस रॉम के साथ जो है आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। प्लस पर रैम मैनेजमेंट भी इस रॉम के साथ काफी बढ़िया है, पर रैम मैनेजमेंट के साथ कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। नाव पर बात कर लेते फीचर्स के बारे में, पर इस रॉम के साथ जो ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो ढेर सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, सबसे पहले बात कर लेते कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर बटन्स एंड गेस्चर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑन स्क्रीन नेविगेशन का ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है इस बिल्ड के साथ पावर मेनू का ऑप्शन है एंड पावर मेनू के साथ जो है पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एडवांस रिबूट के साथ आप सिंपली सिस्टम UI बूट लोडर प्लस यहाँ पर जो है रिकवरी को बूट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर लॉन्ग प्रेस पावर बटन फॉर टॉच का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली फोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पर जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके फ्लैश लाइट को एनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस पावर बटन फॉर टॉर्च का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद आप फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, पर वॉल्यूम बटन के साथ कॉल को आंसर कर सकते हो। यहाँ पर वेकअप डिवाइस का ऑप्शन है, तो सिंपली वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर वॉल्यूम वेकअप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है इस बिल्ड के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्च बार के बारे में। यहाँ पर सर्च बार के साथ जो है स्मार्ट पुल डाउन का ऑप्शन है, पर क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन को ऐड किया गया है। पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सर्च बार में डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा। प्लस पर ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर सर्च बार के साथ जो ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। पर ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। एंड यहाँ पर 4G आइकन का ऑप्शन है, पर डेटा डिजेबल आइकन को ऐड किया गया है। कॉम्बाइंड सिग्नल आइकन का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर वॉल्टी आइकन को ऐड किया गया है, यहाँ पर जो वॉल्टी आइकन के ऊपर जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर वो वाईफाई का जो आइकन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर सिस्टम आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च बार के ऊपर जो कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहते हो उसके लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर बैटरी आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी आइकन के ऊपर जो डिफरेंट बैटरी आइकन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस पर बैटरी परसेंटेज को ऐड किया गया है, पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, बैटरी एस्टिमेट इन क्विक सीरीज का ऑप्शन है। प्लस पर जो ब्लूटूथ बैटरी सर्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड पर बैटरी बार का ऑप्शन है। प्लस पर नेटवर्क ट्रैफिक
इंडिकेटर का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है सरस वर्क के साथ, काफी बढ़िया बात है। ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। नेक्स्ट अगर बात कर लेते नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन के ऊपर जो इस ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर बैटरी एलईडी का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस ऊपर जो है ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है। अगर बात करें क्विक सेटिंग्स के बारे में, पर क्विक सेटिंग्स के साथ जो है ऑप्शन अवेलेबल है, या पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो चेंजेस कर सकते हो इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो चेंजेस देने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो यूआई के ऊपर इस ऑप्शन के साथ आप चेंजेस कर सकते हो सिंपली, यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन में चेंजेस करने के बाद जो सिस्टम यूआई को रीसेट करना होगा, पर जो सिस्टम यूआई को रीसेट करने के बाद जो क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल का जो है यूआई देने को मिलेगा, काफी बढ़िया बात है। पर सिस्टम यूआई को रीसेट करने के बाद, रीसेट करने के बाद भी यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर इस तरह से एनिमेशन स्टाइल को ऐड किया गया है क्विक सेटिंग्स के साथ, ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर सिस्टम यूआई को रीसेट करने के बाद ही यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है चेंजेस देने को मिलेगा, एंड यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, पर ब्राइटनेस स्लाइडर के ऊपर जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है इसे डिसेबल करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है उसे आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, एंड यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ऑपेसिटी उसे भी चेंज करने का ऑप्शन है। कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो है आप ऑपेसिटी को भी चेंज कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है, इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा, प्लस पर बैटरी इन्फो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर म्यूजिक थिगर का ऑप्शन है, या पर जो रैपल एनिमेशन है उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है, प्लस पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो फोन को अनलॉक करने के टाइम जो रैपल एनिमेशन है इसे डिसेबल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से रैपल एनिमेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन अवेलेबल है लॉक स्क्रीन के साथ। एंड यहाँ पर थीमिंग के ऊपर जो इस ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर मॉनेंट कस्टमेशन का ऑप्शन है, या पर एक्यूरेट शेड का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, प्लस पर आइकॉन पैक का ऑप्शन है, इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर थीमिंग के ऊपर जो मॉनेंट सेटिंग्स प्लस आइकॉन पैक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है, इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है इस बिल्ड के साथ। या पर इस बिल्ड के साथ जो वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस पर चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करने के बाद जब भी आपका जो डिवाइस आप चार्जिंग के साथ कनेक्ट करेगा और डिसकनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, प्लस पर चार्जिंग एनिमेशन को डिसेबल और इनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है, अलग अलग जो एनिमेशन है ऐड किया गया है। इस रॉम के साथ जो है डेडिकेटेड जो गेमिंग मोड है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें कैमरा टेप के बारे में, यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है, यहाँ पर जी कैम काम कर जाएगा, गूगल कैमरा काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। पर कैमरा टेप के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है, यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है जी कैम गो भी काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड फोटो वीडियो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर गूगल कैमरा गो काम करते हैं, प्लस यहाँ पर जी कैम भी काम कर जाएगा, एंड ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो जी कैम को यूज कर सकते हो। तो ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, यहाँ पर कैमरा ट्री पे एनेबल है, तो यहाँ पर जी कैम भी काम कर सके बिल्ड के साथ, काफी बढ़िया बात है, ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। अगर बात करें पर लॉन्चर के बारे में, पर लॉन्चर सीरीज के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, पर आइकॉन पैक का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन डॉट्स को ऐड किया गया है, प्लस पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन में डबल टैप करते ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर शो आइकॉन लेवल इन ड्रॉअर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, एंड ऐसे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर बात करें क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में, कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल का जो है यूआई देने को मिलेगा, एंड वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो है यूआई देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ, कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलेगा वॉल्यूम पैनल के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड इस रॉम के साथ जो है रैम मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है, पर रैम मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा, या पर वाईफाई काम करता है,
यहाँ पर ब्लूटूथ काम कर जाएगा, फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन काम करता है, पर लोकेशन का जो ऑप्शन काम करता है, हॉटस्पॉट भी काम कर जाएगा, पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन काम करता है रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के ऊपर, प्लस पर डार्क मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, तो पर कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन काम कर जाएगा रेबिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ। पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टॉगल है, प्लस कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो है यूआई देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो है डिवाइस सीरीज को ऐड किया गया है, यहाँ पर 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का ऑप्शन है, पर डीसी डिमिंग का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, प्लस पर साउंड एनहाइजर के ऊपर जो है अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग जो प्रीसेट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, प्लस पर हाईफाई ऑडियो का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर डिवाइस सीरीज के ऊपर जो इसे भी ऑप्शन है, यहाँ पर गेस्चर्स के ऊपर जो है क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करके आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, सिंपली पावर बटन को डबल प्रेस करके आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। प्लस पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है टू बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, पर थ्री बटन नेविगेशन गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है। इस बिल्ड के साथ जो है टू बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर वन हैंडेड मोड का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद नेविगेशन बार के साथ आप वन हैंडेड मोड को इनेबल कर सकते हो। प्लस पर जो है शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, नेविगेशन बार के साथ जो है नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हो। प्लस पर वन हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट इसे भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से वन हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है काम कर जाएगा, या पर वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, सिंपली पर जो है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। या पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, सिंपली गेस्चर्स के साथ जो स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। पर एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेडमी नोट 8 10 प्रो डिवाइस के साथ, या पर एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है, या पर गेस्चर्स के ऊपर जो इसी ऑप्शन को ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर लोकेशन के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था। एंड्रॉइड 12.1 के साथ जो प्राइवेसी को इंप्रूव किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, बट ऐप लॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बट यहाँ पर इस बिल्ड के साथ फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। एंड एज बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो इस रॉम को फ्लैश करने के टाइम सिंपली यहाँ पर जो क्लीन फ्लैश करना होगा। अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा बहुत ही फास्ट, आपको जो डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है, पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। और इस बिल्ड के साथ जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड यहाँ पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी सीरीज के बारे में, हमने यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सीरीज के बारे में अलग से वीडियो अपलोड किया है, सिंपली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। पर एक्सेसिबिलिटी सीरीज के साथ आप नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, पर डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस पर वाइब्रेशन हैप्टिक के ऊपर रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है, या पर ऑडियो एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, या पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर जो है वॉलपेपर कलर एंड बेसिक कलर का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, पर थीम आइकन का ऑप्शन है, ऐप ग्रिड का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, ऐप ग्रिड के ऊपर जो इसी ऑप्शन है, पर डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस पर सिस्टम आइकन पैक को ऐड किया गया है। एंड्रॉइड 12 का जो हाइलाइटिंग फीचर्स है, जो मॉनेंट यूआई का जो ऑप्शन है, जो वॉलपेपर बेस थीमिंग सिस्टम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बट यहाँ पर वॉलपेपर कलर एंड बेसिक कलर का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो डिस्प्ले के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है, पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करता है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन है, पर ऑलवेज एंड डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, प्लस पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जब भी आपके डिवाइस को कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ, यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली यहाँ पर डबल टैप करके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है, पर डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर साउंड के ऊपर जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, पर वाइब्रेशन हैप्टिक के ऊपर जो है इस ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर रिंग टंग
वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, टच साउंड को बंद करने का ऑप्शन है। यहाँ पर टच वाइब्रेशन को इनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस पर ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, एंड ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है 120 हर्ट्ज के साथ लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। यहाँ पर 60 हर्ट्ज के साथ जो है लगभग यहाँ पर 6 आवर से 7 आवर के आसपास जो पर स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर जो है एनहांस नोटिफिकेशन का ऑप्शन, यहाँ पर ब्लिंग लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस पर नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का ऑप्शन है। यहाँ पर AISP कस्टमर के साथ जो है इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। काफी बढ़िया बात है, डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AISP कस्टम रॉम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप जरूर से Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो से आप चेकआउट करके देखो। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है, आपको अलग से बचे प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना होगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।